सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज, आज मैं एक कैप बना रही हूँ जिस कार्डिगन को मैंने अपलोड किया है उसके साथ का ही ये कैप है। बहुत ही प्यारा सा ये कैप बनकर आएगा। इसी तरह का एक कैप और मैंने अपलोड किया है। ये चीज़ जो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं उस कैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ये वाली चीज़ उसमें देख कर आप बना लें, क्योंकि ये मैं नहीं दिखाऊँगी आपको, सिर्फ बताए देती हूँ। देखिए 10 फंदे हमने इसमें डाले हैं, ये 10 फंदे डाले हैं। 10 फंदे डालने के बाद मैंने 12 रो इसकी बनाई है। 12 रो बनाने के बाद हमने एक साइड से हर सीधी सिलाई पर एक एक फंदा, एक फंदा पहले हमने सीधा उतारा, फिर फंदा बढ़ाते गए हैं हर सीधी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। जब 20 फंदे आपके हो जाएंगे तो फिर आप उसी तरह हर सीधी सिलाई पर एक फंदा घटाते हुए चलेंगे, तो ये फिर से हमारे 10 फंदे रह जाएंगे। 10 फंदे रहने के बाद देखिए कितनी मैंने रॉ बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये लाइन हमारी ऊपर आई है, 28 हमारी ये रॉ बनी है। फिर से यही डिज़ाइन यहाँ पर स्टार्ट किया है हमने, एक एक फंदा पहले बढ़ाया है। जब हमारे 20 फंदे हो गए उसके बाद हमने हर सीधी सिलाई से फिर एक एक फंदा घटाना स्टार्ट किया है। फिर ये यहाँ पर फिर से 12 रॉ बनाई है, 6 लाइन ऊपर आई हैं। तो इस तरह से आप ये कैप बनाएंगे। देखिए इतना, ये करीब एक साल तक के बेबी को आराम से आ जाएगा। अब देखिए गाइज, ये कैप किस तरह से बनेगा और इसमें मैं कौन सा डिज़ाइन लूँगी। जो डिज़ाइन मैंने कार्डिगन में दिया है वही डिज़ाइन मैं इस कैप में दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि इसके फंदे किस तरह से हम उठाएंगे। देखिए ये पहला फंदा भी आपने एकदम सीधा ही निकालना है, पहला भी, और इधर से जब आएंगे आप इधर से भी पहला, क्योंकि स्मूथ सी ये चैन दोनों साइड हमारे आनी चाहिए। देखिए इधर भी आई हुई है, क्योंकि इसी से हम ये फंदे उठाएंगे। देखिए गाइस, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला फंदा, ऊन लगाएंगे और इनको हम एक एक फंदा उठाकर पूरी दोनों चैन में आपने लेना है, एक एक फंदा, और सारे जितने भी फंदे इसमें उठ पाएँ हमारे, हर चैन में से ये फंदा लेंगे। ये अलग ही हमारी पूरी चैन के हुक अलग ही नज़र आ रहे हैं, हर हुक से एक एक फंदा हम निकालते जाएंगे। तो गाइस लास्ट तक मैं ये फंदे इसके उठा लाऊँ सब, और कितने फंदे टोटल हमारे होंगे ये सब मैं आपको बता दूँगी। देखिए गाइस, अब हमारी ये उल्टी सिलाई आई है, तो उल्टी सिलाई भी हम पूरी उल्टी ही कंप्लीट करेंगे। उल्टी और इसके बाद जो सीधी सिलाई आएगी उसको भी हम सीधा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये दो सिलाइयाँ बनाने के बाद ही हम इसमें रिंग बनाएंगे। देखिए गाइस, अब हम ये सीधी सिलाई आई है, पूरी सिलाई सीधी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद उल्टी सिलाई से हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। सीधी सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है, अब उल्टी सिलाई आई है। देखिए गाइस, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने नीडल्स लगाई है ये 9 नंबर की नीडल्स से ये मैं कैप बना रही हूँ, इसीलिए हमारे ये 69 फंदे हुए थे, और 69 फंदे हमारे 9 रॉ की हम 9 नंबर की जब हम नीडल से हम बुनेंगे तो यह कैप हमारा बेबी को एक साल तक के को आराम से आएगा। तो देखिए पहला फंदा तो हम सीधा निकालेंगे, एक फंदा और बुन देंगे सीधा, उल्टी सिलाई है लेकिन सीधे सीधा बुनकर ये डिज़ाइन डलेगा। आप देखिए दो फंदे सीधे बुनने के बाद दोनों सिलाइयों में इस फंदे को हमने इस तरह से डाला और उनको इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बार ये हमने यहाँ पर ये राउंड घुमाकर, जब ये 15 आएगा तो यहाँ पर इस तरह से बुन देना है, और इसे इस तरह से खींचेंगे। मैंने आपको कार्डिगन में भी ये डिज़ाइन बताया है, थोड़ा सा दो दिखाई देती हूँ मैं आपको। दोबारा से खींच कर फिर से इसको हमने खींच दिया और अगले फंदे के साथ इसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए एक फंदा ये हुआ, अब दूसरा बुनेंगे, 2, 3, बस 3 फंदे आएंगे। अब फिर से चौथे फंदे पर ये हमारा रिंग बनेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. इस ऊन को पूरा इस तरह से खींचेंगे और इसको पकड़कर इस तरह से खींच देंगे। अब देखिए दोबारा से फिर से इसे खींचेंगे, इस स्प्रिंग सा बनकर आएगा ये हमारा, और जब हम इधर इसको अटैच करेंगे तो ये हमारा रिंग बन जाएगा। 1, 2, 3, हर 3 फंदे के बाद चौथे फंदे पर ये हमारा रिंग बनेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। उल्टी सिलाई है लेकिन इसको सीधा बुनेंगे क्योंकि ये हमारा सीधी तरफ जाना है ये रिंग। देखिए एक फंदा ये हुआ, इसके साथ इसको अटैच किया, 1, 2, 3, 3 फंदों के साथ ये हमारा देखिए रिंग बन गया है। अब हर चौथे फंदे पर ये बनेगा, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। तो मैं हर चौथे फंदे पर ये बना लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कितने फंदे हमारे बचते हैं। देखिए गाइस, अब हमारे यहाँ पर ये वाला रिंग बनाने के बाद 3 फंदे बच रहे हैं, तो ये चौथे फंदे पर फिर से हम रिंग बनाएंगे। देखिए तो बस अब ये वाला रिंग बना दूँ मैं, और ये इससे अटैच करके ये फंदा हमारा लास्ट का बुना जाएगा। देखिए गाइस, अब हमारी ये रो नंबर 2 आई है इस डिज़ाइन की। तो देखिए पहला फंदा तो हम सीधा ही निकालेंगे, ऊन को अपने सामने लाएंगे। अब देखिए ये वाला फंदा उल्टा बुना जाएगा जिससे अटैच किया था, और जिस फंदे पर हमने ये रिंग बनाया है इस फंदे को ऊन को पीछे पहुँचा कर इसे सीधा बुनेंगे। बाकी के फंदे सब उल्टे बुनने हैं, जिस पर हमने रिंग बनाया है सिर्फ उसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए 3 फंदे हमने बुन दिए उल्टे, अब ये फंदा आया है तो इसको हम ऊन पीछे पहुंचाकर सीधा बुना, फिर से ऊन वापस लाएं। फिर से ऊन पीछे पहुंचाई, बस इसी तरह से ये हमारी पूरी रॉ कंप्लीट होगी, रॉ नंबर 2। और रॉ नंबर 3 जो आएगी पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। तो ये रॉ कंप्लीट कर लाऊँ मैं। देखिए गाइस, रॉ नंबर 3 आई है, उल्टी सिलाई है, पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। सिर्फ पहला फंदा सीधा निकाल कर ऊन वापस लाएंगे, क्योंकि जब हम इस कैप की सिलाई करेंगे तो ये जो चैन आती है इससे हमारी सिलाई बहुत अच्छे से हो पाएगी। पूरी रॉ हमारी उल्टी कंप्लीट होगी। ठीक है गाइस, रॉ नंबर 4 आई है और इस डिज़ाइन की लास्ट रॉ है। तो देखिए पहला फंदा सीधा निकाला, उनको वापस लिया, अब सिर्फ वही फंदे उल्टे बनेंगे हमारे जिस पर रिंग नहीं बना। रिंग वाला फंदा जिस पर रिंग बनाया है हमने उसको ही हम सीधा बुनेंगे। तो पूरी रॉ इसी तरह से कंप्लीट होगी जिस तरह से सेकेंड रॉ हुई थी। और उल्टी सिलाई जो आएगी उससे फिर से रिंग बनेगा। अब मैंने ये पूरा आपको पूरी 4 रो बता दी हैं, अब ये रिंग आप खुद बनाएंगे ऊपर, और रिंग के ऊपर ही रिंग आएगा। जिस फंदे पर एक बार रिंग बना दिया है उसी पर आपने ये रिंग बनाना है। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लाऊँ मैं, सिर्फ रिंग वाला फंदा सीधा, बाकी के उल्टे। देखिए गाइस, एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ, अब दूसरे डिज़ाइन उल्टी सिलाई आई है। 4 सिलाइयों में डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। अब ये उल्टी सिलाई आई है, उल्टी सिलाई से फिर से हमें ये रिंग डालने हैं। 2 फंदे हमने सीधे बुने थे बिल्कुल सिंपल, बस इस वाले फंदे पर देखिए ये रहा सीधा अलग ही दिखाई दे रहा है। इस वाले फंदे पर हमें ये रिंग बनाना है, बस एक रिंग बनाकर दिखा दूँ मैं आपको। बाकी के जो हैं मैं 3 डिज़ाइन ये रिंग वाले डालूँगी। ये देखिए एक के साथ अटैच किया, 1, 2, 3, बस इस हर चौथे फंदे पर रिंग बनाते जाइए। देखिए गाइज, ये मैंने बना लिया है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें और क्या करना है हमें। देखिए 4 रिंग डिज़ाइन दिए हैं मैंने इसमें, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 डिज़ाइन दिए हैं। उसके बाद मैंने ये जो कार्डिगन में दिया था ये जाली वाला डिज़ाइन एक ये भी दे दिया है।
देखिए गाइज, इसमें जब आप ये चौथा वाला ये बनाएंगे रिंग, तो उसमें आपको ये चार सिलाइयाँ नहीं करनी है। उल्टी सिलाई पर ये रिंग बनेगा, जब सीधी सिलाई आएगी तो आपने इसको पूरी सिलाई को सीधा बुनना है लास्ट के रिंग पर। और सब में तो चार चार सिलाइयाँ मैंने आपको दिखाई हैं फर्स्ट रिंग में बनाकर, तो तीन तक तो ये पूरी बनेंगी चार चार सिलाइयाँ, लेकिन जब ये चौथा वाला रिंग आएगा तब आपने सीधी सिलाई पर इस पूरी रॉ को सीधा सीधा बुन देना है। फिर जब उल्टी सिलाई आएगी उसके बाद आपने उल्टी सिलाई पर, सिलाई उल्टी होगी लेकिन सीधा सीधा बुना जाएगा, क्योंकि ये लाइन हमें यहाँ पर उल्टी लानी है। अब मैं आपको ये जाली दिखाई देती हूँ कि किस तरह से बनेगी ये। वैसे मैंने ये कार्डिगन में भी दिखाई है। देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ पर जो है ये तीन रॉ बना दी है यहाँ पर। अब देखिए हमारी उल्टी सिलाई आई है, तो उल्टी पर हम इसको पूरे को सीधा बुनेंगे, क्योंकि अब हमें एक जाली यहाँ पर और बनानी है, उसके बाद हम इन फंदों को घटाएंगे। ये देखिए सीधा सीधा सा बुनना है, पूरी रॉ सीधी कंप्लीट होगी। ये देखिए गाइस, ये वाली हमारी रॉ कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम निकालेंगे सीधा और उनको सिलाई पर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हर बार हमें उनको सिलाई पर लेना होगा, जाली डलेगी और यहाँ पर हम ये दो दो फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे। जाली डालना ना भूलें, वरना तो फंदे कम हो जाएंगे और डिज़ाइन भी हमारा कट जाएगा। बस उनको सिलाई पर घुमाइए और दो दो फंदे बुनते जाइए। देखिए पूरी रॉ हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी। सो गाइज, मैं अब ये पूरी रॉ कंप्लीट कर लाऊँ इसी तरह से। देखिए गाइज, लास्ट में भी ये दो फंदे आए हैं, उनको सिलाई पर घुमाया और लास्ट के दोनों फंदों को एक साथ बुन दिया। अब देखिए हमारी ये उल्टी सिलाई आई है, उल्टी हमारी सिलाई फिर से सीधी बुनी जाएगी, इस तरह से फर्स्ट वाली बुनी है। पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी, क्योंकि इस जाली के दोनों ऊपर और नीचे ये हमारी उल्टी लाइन आनी है। तो फर्स्ट सिलाई भी हमने उल्टे पर सीधी बुनी थी और ये थर्ड रॉ भी हमारी उल्टे पर सीधी बुनी जाएगी। तो ये पूरी रॉ मैं कंप्लीट कर लाऊँ। देखिए गाइस, दोनों दो जालियाँ हमारी ये बन चुकी हैं इनके ऊपर। अब गाइस हम दो सिलाइयाँ बस सीधी और बनाकर लाएंगे, या फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए पहले हम पांच फंदे बुनेंगे, पांच फंदे बुनने के बाद दो का एक बनाएंगे। देखिए पांच फंदे बुने, दो का एक बनाया, फिर से पांच फंदे बुनेंगे और दो का एक बनाएंगे। बस पांच फंदे बुनते जाइए और दो का एक बनाते जाइए, इसी तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट होगी, क्योंकि अब हमें ये फंदे अपने घटाने हैं। देखिए देखिए गाइस, लास्ट में आ गए। अब हम पांच फंदे बुने, दो का एक बनाया। अब देखिए गाइस, हमारे यहाँ पर सिर्फ छः फंदे बचते हैं, क्योंकि ये 69 फंदे थे, तो ये यहाँ पर हमारे फंदे कम बच रहे हैं, एक फंदा हमारा कम बच रहा है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले पांच फंदे बुनेंगे, सिर्फ इस फर्स्ट सिलाई में करेंगे, क्योंकि फिर तो हमारा घटाने के लिए हो जाएगा। ये पूरे छः के छः हम पूरे सीधे हमने बुन दिए। अब हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट होगी, उल्टी सिलाई पर कोई फंदा नहीं घटाना है हमें, सिर्फ सीधी सिलाई पर ही हमारा फंदा हर बार एक कम होता जाएगा। तो ये पूरी रॉ कंप्लीट कर लूँ। देखिए गाइस, हमारी फिर से सीधी सिलाई आई है, उल्टी पूरी कंप्लीट कर दी। देखिए पहला फंदा निकाला, टू थ्री फोर, अब की बार फोर बुनेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने फाइव फंदे बुने थे, लेकिन अब फोर बुनेंगे, हर बार एक फंदा इनमें से कम होता जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम दो का एक बनाएंगे, बस चार फंदे बुनते जाइए और दो का एक बनाते जाइए, दो तीन चार। अब यहाँ पर दो का एक बनाएंगे, फिर से देखिए वन टू थ्री फोर। तो पूरी रॉ इसी तरह से कंप्लीट होगी, चार फंदे बुनते जाइए दो का एक बनाते जाइए। देखिए
दो का एक बनाएंगे। तो ये रॉ कंप्लीट कर लाऊं मैं। लास्ट में हम उन्हीं छह फंदों पर आए हैं जिनको हमने सिंपल बुन दिया था सबको। अब देखिए इसमें से चार फंदे बुनेंगे और लास्ट में दो का एक बनाएंगे। बस अब हर बार इसमें से भी एक फंदा हमारा कम होता जाएगा। ये देखिए यहाँ से दो का एक बनाएंगे। उल्टी सिलाई आई है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट होगी, कोई फंदा नहीं घटाना। फिर से हमारी सीधी सिलाई आई है, अब के बार हम तीन फंदे बुनेंगे। 1 2 3 दो का एक बनाएंगे। 1 2 3 तीन फंदे बुनते जाइए और दो का एक बनाते जाइए, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। देखिए गाइस अब के बाद दो फंदे बुने जाएंगे सिर्फ। 1 2 दो फंदे बुनिए, दो का एक बनाइए, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। बस दो फंदे बुनते जाइए, दो का एक बनाते जाइए। देखिए जहाँ जहाँ दो का एक बन रहा है वहाँ पर हर जगह चैन सी बनती आ रही है। अब एक फंदा बुना जाएगा और दो का एक बनाएंगे। बस एक फंदा बुनिए और दो का एक बनाइए, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। ये गाइस अब हम यहाँ पर दो दो फंदे एक साथ लेकर बुन देंगे। बीस फंदे हैं ये हमारे, अब हमारे ये दस फंदे यहाँ पर बचेंगे। नीचे की साइड से ले रही हूँ मैं, जो चेन चल रही है वही चेन रहेगी। देखिए 10 फंदे हमारे बचे हैं, 2 4 6 8 10। गाइस एक धागा हमने काट लिया है लंबा सा और इसे नीडल्स में डालेंगे क्योंकि यहाँ पर अब हमें इस कैप की सिलाई करनी है। देखिए इन सब फंदों को हम इस नीडल्स में लेंगे। ये हमारे जो 10 फंदे बचे हैं, जिस साइड धागा होता है हमारा वूल होती है उस साइड से सबको नीडल्स में ले लेंगे। उसे इस तरह से खींच देंगे। देखिए उल्टा करेंगे इस कैप को, इस तरह से उल्टी साइड से रख के दोबारा से हम इन्हीं फंदों में से फिर से इस धागे को निकालेंगे। तो ये यह हमारा यहाँ पर अच्छे से टाइट हो जाएगा और हमारा बीच में कोई होल नहीं रहेगा। देखिए दोबारा से मैं इन्हीं फंदों में से नीडल्स निकाल रही हूँ। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ऊपर एक होल सा बन जाता है। अब हमारा दोबारा से लेने से यहाँ पर कोई होल नहीं बनेगा। देखिए इसे बिल्कुल यहाँ पर सेंटर मिला देंगे इसका, यहाँ से जाली का जाली पर। और देखिए एक साइड ये वाली लेंगे हम, जो हमारी चेन चलती है एक एक साइड लेंगे दोनों की, अंदर वाली साइड। जो अंदर साइड होती है तो इस तरह से हमारी सिलाई का भी पता नहीं चलेगा और अच्छे से भी ये कैप सिल कर आएगा। देखिए अब मैं इस कैप को यहाँ तक सिलाई कर लाऊँ, नीचे तक ये जहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है। देखिए गाइस कितना खूबसूरत सा ये ऊपर से भी गोल सा बनकर रेडी हुआ है कि बहुत ही प्यारा ये कैप बना है। इस तरह से आता है कैप हमारा। अब ये जो हमारे ये दोनों देखिए ये हिस्सा है, इनसे ही हम ये डोरी बनाएंगे यहाँ पर इसकी। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि डोरी किस तरह बनेगी। और यहाँ पर आप एक पोम लगा दें यहाँ पर। देखिए मैं पहले आपको डोरी दिखाई देती हूँ। देखिए सीधी साइड रखेंगे आप कैप की। अब देखिए जो है पहल ये वाली, देखिए ये हमारी पहली है, ये जो है पहला फंदा है ये बीच में जो बिल्कुल किनारे पर आ रहा है। अब एक इधर का और एक इधर का, इनसे हम ये डोरी बनाएंगे। देखिए डोरी जो है आप 9 नंबर की सिलाई से नहीं बनाएंगी, आप 10 नंबर की सिलाई से डोरी बनाएंगी।
एक ये इधर कर लेंगे और ये डोरी जो बनेगी गाइस, तो मैं आपको बता दूं, ये डोरी हमारी ये वाली साइड रखेंगे इधर गाइस। ये डोरी जो आप बनाओगे ना, तो ये एक मोजो वाली सिलाई आती है जो दोनों साइड से होती है, जिसे हम वी गला भी बनाते हैं, वो सिलाई है आपको लेनी है, उससे ये डोरी बनेगी। या फिर आपके पास सर्कुलर है तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वाली सिलाई जो है, हमें ये फंदे दोनों साइड को खींचने होंगे और ये एक ही साइड रखकर हमें डोरी बनानी है। जैसे जिस तरह से ये सीधी साइड पर रखी है, तो देखिए इस तरह से ये सिलाई पूरी मैं इधर खींचकर दूसरा हिस्सा लेकर आऊँगी, इधर इस तरह से। अब देखिए ये यहाँ से फिर से हम इस डोरी को बुनेंगे, सीधा सीधा हमें बुनना है तीनों फंदों को। ये देखिए फिर से हम इस तरह से इस सिलाई को खींचेंगे। अभी इस वाले हिस्से पर ले आए हैं हम इसको, तो ये इस तरह डोरी बनेगी। ये वैसे जो सिलाई आती है दोनों साइड वाली, उसी से ये डोरी बनेगी, वरना तो ये डोरी सीधी आपकी नहीं बन पाएगी। बस इस तरह से सिलाई खींच दें, बस यही साइड आपकी रखी रहेगी, एक ही साइड से ये डोरी बनेगी। तो गाइस दोनों साइड इसी तरह से ये डोरी बननी है, तो ये डोरी मैं बना लाऊं, दोनों साइड की मैं डोरी बना दूं और ये ऊपर पोम पोम लगा दूं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और देखिए गाइस ये जो डोरी आप बनाएंगे, आप ये डोरी अपने बेबी के हिसाब से बना लें, आपने कितनी बड़ी रखनी है, कहाँ तक आपने मतलब किस तरह से बांधना है डोरी को, छोटी रखनी है या बड़ी रखनी है, ये आप अपने चॉइस पर रखें। मैं करीब 6 से 7 इंच तक की ये डोरी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी भी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, बस इतनी बन जाए ये डोरी कि ठीक से हमारे बच्चे के बंध पाए। गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।